बरेली की फतेहगंज पश्चिमी में जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर शराफत हुसैन उर्फ भाईजान की 1,31,00,000 की संपत्ति बुधवार को जब्त कर ली गई। एसडीएम मीरगंज और मीरगंज थाना प्रभारी के साथ पुलिस टीम ने दुकान और मकान को खाली कराकर सील कर दिया। अब इन दोनों संपत्तियों को कोई बेच या खरीद नहीं सकेगा। दरअसल मोहल्ला सराय के वार्ड नंबर 12 निवासी कुख्यात स्मैक तस्कर शराफत हुसैन के खिलाफ 2022 में फतेहगंज पश्चिमी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसकी विवेचना मीरगंज थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने की थी। इसी मामले में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई थी। वहीं बुधवार को एसडीएम मीरगंज राजीव शुक्ला की मौजूदगी में थाना प्रभारी मीरगंज हरेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पश्चिमी ललित मोहन के सहयोग से बुधवार को शराफत हुसैन का 2 मंजिला मकान और 5 मंजिला दुकान शोरूम को जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 1,31,06,000 रुपए है। एसडीएम मीरगंज राजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मकान और दुकान के मुख्य गेट पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। गैंगस्टर शराफत हुसैन के खिलाफ कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे शॉप चलाते हुए, सब्जी मंडी में मेरी शॉप है, 10 साल हो गए, जिसका GST नंबर सब कुछ है मेरे पास में। 10 साल हो गए, बस पुलिस के पास ना 5 नाम है स्मैक तस्करी में, रिपाकर, शराफत, कल्लू, उस्मान, इसके बावजूद भी स्मैक फतेहगंज में बिक रही है। ये लोग जेल भी जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई भी हो रही है, सब कुछ, उसके बाद भी फतेहगंज, पूरा फतेहगंज कस्बा स्मैक में संलिप्त है। कोई भी इस चीज पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी पर कार्रवाई होनी है तो उसके लिए शराफत जिम्मेदार है, उसके लिए रिफाकत जिम्मेदार है, उसके लिए लंगड़ा जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस हर 3 दिन 5 दिन यहाँ आ रही है, छापे मार दिए, फिर भी कोई सोल्यूशन है ही नहीं। शराफत हुसैन और उनकी पत्नी बिल्किस बानो की जो संपत्तियाँ थी, इसमें NDPS के इनके ऊपर 9 मुकदमे हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा 5 अक्टूबर को इनकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश किया गया था गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत। तो उसी के अनुपालन में यहाँ पुलिस और हमारी उपस्थिति में इनको जब्त करते हुए इनको सील किया गया है। ये जो संपत्ति सील की गई है, ये इसकी आकलन कीमत कितनी? ये लगभग 1,31,00,000 के आसपास इसका मूल्यांकन है।